ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, A1 न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को दिए जाने वाले अपने भाषण के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मुझे अपने 15 अगस्त के भाषण में आप सभी के बहुमूल्य सुझावों को शामिल करने में खुशी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि लाल किले की प्राचीर से 130 करोड़ भारतीय आपके विचार सुनेंगे। आप नमो ऐप पर ओपन फोरम में अपना योगदान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने के लिए एक्शन मोड में आ गए हैं। इसके लिए चार मंत्रालय जिसमें स्वास्थ्य, रक्षा, रेल और आयुष मंत्रालय ने एक MOU किया, जिसके तहत ये चारों मंत्रालय मिलकर टीबी के खिलाफ टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन चलाएंगे और साथ ही मिलकर इसका इलाज करेंगे। हाल ही में पीएम मोदी ने बीजेपी के सांसदों के साथ बैठक में कहा था कि भारत को 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाना है। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में ही रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज भी ऐसा ही हुआ जब रिकॉर्ड संख्या में सांसदों ने शून्यकाल के दौरान अपने मुद्दे सदन में उठाए। इसके साथ ही 17वीं लोकसभा के सत्र में पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा काम हुआ है। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार तक निचले सदन में 128% कामकाज हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बिना नाम लिए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो लोग कांग्रेस के 55 साल के शासन की आलोचना करते हैं, वो भारत की आज़ादी के समय भारत की क्या स्थिति थी उसे नज़रअंदाज करते हैं। हमारे देश के बहुलतावादी ताने बाने को ठेस पहुंचाया जा रहा है। भारत का संविधान सभी जाति, धर्म और लिंग के लोगों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की गारंटी देता है। आज हर एक संस्था जिससे हमें ऊंचाइयों तक पहुँचाया है उसे चुनौती दी जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस साजिश मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल जज SP यादव के कार्यकाल को बढ़ा दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक इस मामले में फैसला नहीं आ जाता है तब तक जज रिटायर नहीं होंगे। आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में जो चार्जशीट दाखिल हुई थी उसमें बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत 13 अन्य का नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र हत्याकांड पर दुख जताया है। उन्होंने लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। CM योगी ने सीधे सीधे इस घटना के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इस घटना की नींव 1955 कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही पड़ गई थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी के BHU ट्रॉमा सेंटर पहुंची और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जमीन विवाद में घायल हुए लोगों का हालचाल जाना। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सोनभद्र के मूर्तियां गांव में जमीन विवाद को लेकर 10 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसमें 28 लोग घायल हो गए थे। ग्राम प्रधान ने जमीन पर कब्जा करने के लिए करीब 200 लोगों और 32 ट्रैक्टरों के साथ लाठी डंडे तेज धार हथियार लेकर पहुंचे और जमीन जोतने की कोशिश की तो विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। प्रियंका गांधी सोनभद्र हत्याकांड के पीड़ितों से मिलने जा रही थी तभी उनके काफिले को रोक दिया गया। प्रियंका के काफिले को नारायणपुर पुलिस स्टेशन के पास रोका गया। इस दौरान प्रियंका ने कहा कि हम बस पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं, प्रशासन हमें यहां जाने नहीं दे रहा है। BSP अध्यक्ष मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। भाई आनंद कुमार पर इनकम टैक्स की कार्रवाई के बाद से मायावती बौखला गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव में 2000 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति बीजेपी के खाते में आई, इसी से गरीबों के वोट खरीदे गए। मायावती ने आगे कहा कि मोदी सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है, सरकारी नौकरियों में दलितों की हिस्सेदारी कम करने की साजिश की जा रही है, लेकिन इससे BSP डरेगी नहीं। उत्तर प्रदेश के रामपुर से सपा सांसद आजम खान का नाम अब भूमाफिया की लिस्ट में शामिल हो गया है। जौहर विश्वविद्यालय के लिए किसानों की जमीनें कब्जाने के आरोप में फंसे आजम खान को प्रशासन ने भूमाफिया घोषित किया है। आजम के खिलाफ एक हफ्ते में 23 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। हाल ही में प्रशासन ने कोसी नदी क्षेत्र की 5 हेक्टेयर सरकारी जमीन कब्जाने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कराया है। गुजरात में कांग्रेस के पूर्व विधायक अल्पेश ठाकुर और धवल सिंह जाला बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दोनों ने बीजेपी मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान गुजरात BJP अध्यक्ष जीतू वाघानी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि ठाकुर और जाला ने राज्यसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ मतदान करने के बाद विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। ठाकुर ने कहा कि वह कांग्रेस से नाखुश थे। महाराष्ट्र में शिरडी के साई बाबा मंदिर में गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर 4 करोड़ 52 लाख का चढ़ावा आया, तो वहीं 18 लाख 87 हजार कीमत का
645 ग्राम सोना चढ़ाने के रूप में दान किया गया और 5 किलो चांदी का भी चढ़ावा दान में दिया गया। साईं बाबा के मंदिर में देशी भक्तों के साथ साथ विदेशी भक्तों ने भी जमकर दान दिया। मंदिर में 8 लाख रुपए के 17 देशों की विदेशी करेंसी दान की गई है। पीलीभीत से निजामुद्दीन राजन की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े एक 70 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस केस में मृतक के दामाद और बेटी को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद के चलते बेटी और दामाद ने अपने पिता की हत्या करवा दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। क्या हुआ, पिता को क्यों मरवाया आपने? सर, हम दवाई लेके आ रहे थे तो ये दोनों लोग वहाँ पे मतलब थे, तो हम ये देख के खड़े हो गए कि मतलब इनमें क्या वार्तालाप हो रहा है। बस हम पीछे थे, ये नहीं हमें मालूम था कि इनके पास गोली है, ये चला देंगे, वरना हम बीच में आ जाते। फिर आपने बताया क्यों नहीं जब इन्होंने घटना कर दी? तो हम डर गए थे सर बहुत। काय से मारा आपने? मारा तमंचे। तमंचा कहाँ से आया था? तमंचा उन्हें दिया। किन्होंने? बुढ़ाई ने। कौन बड़े? वही ससुर हमारे। अपनी हत्या के लिए तमंचा तुमको दे देंगे? अरे उनका हम सारा कुछ काम करते थे, जमीन धान हमने लगवाए, रात में वहाँ हम रहे। लखीमपुर से मोहम्मद असलम की रिपोर्ट के अनुसार लखीमपुर खीरी के पोस्ट ऑफिस संपूर्णा नगर में आधार कार्ड बनवाने के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस में काफी दिनों से आधार कार्ड संशोधन व नया आधार कार्ड के लिए आवेदन हो रहे हैं। एक दिन में 10 आधार कार्ड बनाए जाते हैं, जिसके चलते लोगों का नंबर एक महीने के बाद आता है। जल्दी नंबर आने के लिए जनता से 400 से 500 रुपए अवैध तरीके से लिए जा रहे हैं और आधार संशोधन के नाम पर 50 से लेकर 100-200 रुपए तक लिए जा रहे हैं, जिस पर ग्रामीणों ने पोस्ट ऑफिस का घेराव किया। 5 बार आ चुके हैं, ना बन ना रहा है। तो क्या बोलते हैं आपसे? ये कह रहे हैं आ जाना, कल आना। 15 दिन से परेशान कर रही हूं। फार्म भी नहीं दिया आज? ना जी सर, आधार कार्ड बनाने के लिए 3-4 दिन से दौड़ रहे थे। कुछ दिन पहले भी आए थे, इन्होंने मना किया, कहा कि कुछ दिन बाद बनाना। ठीक, उसके बाद आ जाए तो आज भी बोला मैंने बनाने के लिए, इन्होंने बोला कि अभी नहीं बनेगा। मैंने कहा सर बना दीजिए, बोल रहे हैं पैसे दो, 400 रुपये लिए मेरे से, फिर बोला बनाने के लिए। तो फार्म दिया आपको? जी फार्म दिया है। पैसे देने के बाद? जी पैसे देने के बाद 400 रुपये दिए, उसके बाद फार्म दिए। बॉलीवुड एक्टर एजाज खान को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एजाज खान को विवादित वीडियो बनाने और धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने के चलते गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो बनाने और अपलोड करके धर्म के नाम पर अलग अलग ग्रुप्स में लोगों को प्रभावित करने और नफरत फैलाने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इस मामले के और जाँच कर रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एवन न्यूज टीवी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।